10 लाख भर्तियां करेगी केंद्र सरकार, यानी पीएम कल शुरू करेंगे विशेष भर्ती अभियान, 75,000 को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। यानी इस बार धनतेरस हजारों युवाओं के लिए खुशियों का संदेश लेकर आएगा और लाखों परिवारों के लिए आशाओं का दीप जलाएगा। यानी रोजगार मेला पीएम ने सभी मंत्रालय व विभागों को दिया था 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। युवाओं को मिलेगी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की नौकरी और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज्यादा होगी भर्तियां। एसआई, कांस्टेबल से लेकर एलडीसी, एसटेनो, पीए के पद शामिल। यानी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष भर्ती अभियान रोजगार मेले की शुरुआत करेंगे और 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। अगले एक साल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ये भर्तियां की जाएगी। बता दें कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहा है। विपक्ष की तरफ से इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश होती रही है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसकी तैयारी शुरू हुई तो अग्निवीर योजना के समय उग्र विरोध हुआ था और कुछ स्थानों पर विपक्षी दलों द्वारा युवाओं को भड़काने का भी काम हुआ था। अब जबकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव सामने है तो विपक्षी दल इसे राजनीतिक कदम करार दे सकते हैं। यह सच भी है कि भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने यहाँ खाली पदों की पहचान कर मिशन मोड पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। केंद्र की सरकारी नौकरियों में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद सभी मंत्रालयों व विभागों ने खाली पदों की पहचान कर उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्तियों की को पारदर्शी बनाने को चयन प्रक्रिया सरल, यानी बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्तियों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। साथ ही इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है उनका चयन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से हुआ है। सबसे ज्यादा रिक्तियां गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बलों, सेना और रेलवे में है, जबकि 38 मंत्रालय व विभागों में नौकरी। पहले चरण में 38 मंत्रालय और विभागों ने 75,000 युवाओं की भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली। यह पहला बैच होगा, इसके बाद नियमित अंतराल पर नियुक्तियां होती रहेंगी। इन 75,000 युवाओं को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप बी अराजपत्रित और राजपत्रित भी और ग्रुप सी की नौकरी के लिए चयनित किया गया है। इन पदों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल से लेकर लोअर डिवीजन क्लर्क, एसटेनो, निजी सहयोगी पीए, टैक्स इंस्पेक्टर्स और मल्टीटास्किंग स्टाफ जैसे अन्य पद शामिल है। तो चलिए, इस वीडियो में आप लोगों ने केंद्र सरकार के द्वारा निकाली गई वैकेंसी या किस किस विभाग में किस किस लेवल पे वैकेंसी होगा ये आप लोगों ने समझा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।